हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम क्या होती है। इसका दूसरा नाम बेटा बनाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ करेंगे बेटा, ये लंबा प्रूफ है। देखते हैं क्या है ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम, या फिर आप बोलते हैं कि बनाक फिक्स्ड पॉइंट। पहले वर्ड देखो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग और एक आ रहा है फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें तो थ्योरम की स्टेटमेंट में ज़रूर होंगी कि हमारे पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है तो उसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट कब होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, हमारे पास क्या है कि अगर कोई कंप्लीट मीट्रिक स्पेस आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन करते हैं, तब उस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के पास जो है एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट ज़रूर होगा। याद कैसे रखना है, कंप्लीट मैट्रिक्स ऐसे कर लो, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम है ना, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लो। अब कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऐसी ही आएगी आपके पास, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग में आपका क्या हो जाता था कि आप अगर कोई दो पॉइंट डोमेन के लेते हैं, ठीक है, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस आपने यहाँ पर ली है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी वाई, इमेजेस का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ लेस देन एल्फा डी एक्स, ओरिजिनल पॉइंट से लेस हो जाएगा, ठीक है, वेयर एल्फा इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन करनी है ना बेटा, ये किसके ऊपर डिफाइन करनी है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के ऊपर डिफाइन करनी है, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन कर दी, तो उसका उसके पास एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। दो बातें प्रूफ करनी है कि एक तो फिक्स्ड पॉइंट होगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट, एंड देन दैट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑल्सो यूनिक, ये भी प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस दोनों चीज़ें प्रूफ होंगी। फिक्स्ड पॉइंट क्या चीज़ थी, टी एक्स इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इंटरसेक्शन निकालते हैं विद द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे को जो कुछ गिवन है उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात कि टी एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, तो ये डेफिनेशन होल्ड करेगी, अभी आपको बताई भी मैंने ये। तो डी ऑफ टी एक्स टी वाई इज लेस देन एल्फा डी एक्स वाई फॉर अल्फा लाइन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। मुझे पहले फिक्स्ड पॉइंट तक पहुंचना है, पहले उसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी है, और मुझे कंडीशन और क्या गिवन है कि ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन एक्स। तो हम पहले कॉशी सीक्वेंस बना लेते हैं, फिर वो कन्वर्ज कर रहा होगा, तो वहाँ से हमें उसकी जो लिमिट मिलेगी वो एक्स मिल जाएगी, दैट कैन अकर एज कि ये हमारा फिक्स पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया, पहले कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स नॉट ले लिया एक्स के अंदर, और उससे एक सीक्वेंस डिफाइन करना शुरू किया। सीक्वेंस हम रेकरेंस रिलेशन से कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स एन प्लस वन इज टी ऑफ एक्स एन, मतलब जो आगे वाली टर्म आती है वो इमेज होगी पहले वाले टर्म की, टी ऑफ एक्स एन। तो इसमें देखो, एन को पहले एक बार जीरो डालो, तो ये क्या आया, एक्स वन इक्वल टू टी एक्स नॉट। फिर आपने एन को टू वन डाला, तो क्या बना, एक्स टू इक्वल टू टी एक्स वन। यहाँ पे देखो, इस वाले के अंदर आपने n को 1 डाला, तो क्या बन गया, एक्स टू इक्वल टू टी एक्स वन, और एक्स वन आपका क्या है, टी एक्स नॉट है। तो इसकी जगह एक्स वन की जगह डाल दिया आपने टी एक्स नॉट, तो ये क्या बन गया, सॉल्व करके टी स्क्वायर एक्स नॉट। तो इसको बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन, पहले वाली टर्म का इस्तेमाल करके नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। अब एक्स थ्री क्या होगा बेटा, टी एक्स टू। अब टी एक्स टू आ गया, इस एक्स टू की वैल्यू डाल दो पहली वाली इटरेशन से। पहले वाले स्टेप में मुझे एक्स टू क्या मिला है, ये देखो, पहले वाले स्टेप में हमारा एक्स टू क्या है, ये देखो, टी स्क्वायर एक्स नॉट। तो मैंने एक्स टू की वैल्यू टी स्क्वायर एक्स नॉट डाल दी, तो ये क्या बन गया, टी क्यूब एक्स नॉट। तो मेरे सारे के सारे ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, एक्स नॉट की फॉर्म में आ जाएंगे। और होगा क्या, जितना एक्स का सबस्क्रिप्ट होगा टी की उतनी ही पावर आ जाएगी। तो मेरा सीक्वेंस बन गया एक्स एन इक्वल टू टी एन एक्स नॉट, ठीक है। पहले हम प्रूफ कर दें कि ये जो सीक्वेंस एक्स एन हमने जनरेट किया है, ये एक कॉशी सीक्वेंस है। तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो हमने पहले एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन ले लिया, आपको याद दिला दूँ जरा, हमारे पास क्या होता था, एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट डी एक्स एन एक्स एम इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। या तो ऐसे प्रूफ कर दो, या फिर आप ये भी कर सकते थे, डी ऑफ एक्स पी प्लस वन कॉमा एक्स पी लेस देन एप्साइलन ले सकते हैं फॉर ऑल एन, जो भी आपके पास ये इंटीजर ले रखा है आपने p, ठीक है। तो d ऑफ एक्स पी प्लस वन, एक्स पी मैंने कंसीडर किया। अब एक्स पी प्लस वन की डेफिनेशन क्या है, हमने ऊपर रेकरेंस रिलेशन डिफाइन किया हुआ है,
यहाँ पे देखो एक्स ऑफ एन प्लस वन क्या है, टी एक्स एन, इसमें एन की जगह पी कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, एक्स पी प्लस वन इज टी एक्स पी, तो उसकी जगह पे आ गया टी एक्स पी, तो एक्स पी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी एक्स पी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब बट ये डी जो है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन कहती है कि डिस्टेंस जो है इमेजेस के बीच का है वो छोटा हो जाता है बिटवीन द एज कम्पेयर टू दर ओरिजिनल पॉइंट। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एल्फा डी एक्स पी, एक्स पी माइनस वन आ गया, ये आया है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, आप फिर से दोबारा से इसके अंदर लगा दो एक्स पी की डेफिनेशन टी एक्स पी माइनस वन और एक्स पी माइनस वन की टी एक्स पी माइनस टू, जो आपका रेकरेंस रिलेशन था ये रेकरेंस रिलेशन से आया है। ठीक है, अब ये इसके अंदर फिर से जैसे ही डी टी एक्स टाइप चीज़ मिले तो उसके अंदर फिर से कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन लगा दो। तो ये जो पोर्शन है डी टी एक्स पी माइनस वन टी एक्स पी माइनस टू, इसके लिए एक और अल्फा आ जाएगा, साथ में एक्स पी माइनस वन एक्स पी माइनस टू आ जाएगा, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की यूज़ करी, तो एक बारी रेकरेंस रिलेशन यूज़ करना है और एक बारी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन को यूज़ करना है। ऐसे करते जाओगे तो आपके पास ये लास्ट में कहाँ तक ख़त्म होगा, डी एक्स वन एक्स नॉट तक। तो मेरे पास आ गया डी ऑफ एक्स पी प्लस वन एक्स पी लेस देन इक्वल टू अल्फा पी डी एक्स वन एक्स नॉट, यहाँ तक आ गया। अब आपने यहाँ से क्या बना देना है कि हमें वो बनानी है कॉशी सीक्वेंस बनाना है। तो कॉशी सीक्वेंस बनाना, तो डी एक्स एन एक्स एम इज लेस देन एप्साइलन लाना है फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो हमने क्या किया, डी एक्स एन एक्स एम को कंसिडर किया, इन एक्स एन और एक्स एम में एन ग्रेटर देन एम है तो एन बड़ा हो गया और एम छोटा हो गया। तो एन और एम के बीच में बहुत सारे पॉइंट हम ढूंढ सकते हैं, कौन से होंगे बताओ जरा। ये देखो ये एम है तो एम से आगे कौन होगा, एम प्लस वन एम प्लस टू, ऐसे करके ये एन है तो एन से पहले वाली टर्म एन माइनस वन एन माइनस टू होगी। तो मैंने वो सारी टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी थी। देखो हमने क्या किया है, यहाँ एम है यहाँ एन है, एन बड़ा है तो यहाँ पे एन से पहले एन माइनस वन एन माइनस टू, और एम के इधर कौन होगा एम प्लस वन एम प्लस टू। तो हमारी जो टर्म इनके बीच की आ गई वो कौन कौन सी आ गई, एम प्लस वन एम प्लस टू से लेकर एन माइनस वन तक ही, तो वो मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करी। देखो ये एम प्लस वन, इससे पहले वाली एम प्लस टू रही होगी, और इधर से देखा तो इधर से एन माइनस वन और एन माइनस टू वाली टर्म्स आ गई। तो ये हमने ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी से बना लिया। अब जो आपने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया कि डी ऑफ एक्स एन माइनस वन, देखो हमने लिया है डी ऑफ एक्स पी प्लस वन और एक्स पी अगर हमारे पास होता है तो दिस इज लेस देन एल्फा पी डी ऑफ एक्स वन एक्स नॉट। अब इस सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कीजिए, देखो हमारे को चाहिए एक्स एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है मुझे चाहिए एक्स एन माइनस वन, ठीक है यहाँ पर ये चाहिए। तो आपने क्या किया, एक तरीके से पी को किससे रिप्लेस किया, एन माइनस वन से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पी की जगह एन माइनस वन आ जाएगा डी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स नॉट। तो मैंने इसकी जगह अल्फा एन माइनस वन डी एक्स वन एक्स नॉट लिख दिया। ऐसे ही बेटा इसके अंदर भी आपने ऊपर वाली इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया, इसके अंदर भी किया, सारों के अंदर इस्तेमाल किया, तो आपको ये मिल गया। कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको सिखा दिया, सब्सक्रिप्ट देख लो कि किसको किससे रिप्लेस करना है, ठीक है उससे ये सब आ जाएगा। अब आप देख रहे हो एक्स वन एक्स नॉट सबके पास कॉमन आ गया डी एक्स वन एक्स नॉट, ठीक है तो डी एक्स वन एक्स नॉट रह जाएगा और बाकी की सारी टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये देखिए डी एक्स वन एक्स नॉट को बाहर कर दिया, ये वाला डी एक्स वन एक्स नॉट, और ये सारे बचा लिए अल्फा एन माइनस वन अल्फा एन माइनस टू और अल्फा एम। अब इन सब में छोटा सबसे अल्फा एम था तो उसी को कॉमन निकाल लिया, तो अल्फा एम को कॉमन निकाला तो ये क्या बचा, वन प्लस अल्फा प्लस एल्स को यहाँ से निकालना शुरू किया बेटा। अल्फा एम कॉमन निकाला तो पहली टर्म का ये रहा, फिर इससे पहले वाली यहाँ पर क्या बची होगी अल्फा एम प्लस वन, तो अल्फा एम कॉमन निकल गया तो उससे अल्फा मिल गया। ठीक है ऐसे करते करते ये अल्फा एन माइनस वन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा एम कॉमन निकल गया तो एन माइनस एम माइनस वन आ जाएगा। तो ये क्या बन गई आपके पास, एक जीपी बनती दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सम ऑफ फाइनाइट टर्म इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ लेस का साइन लगाकर इसको इनफाइनाइट जीपी बना देंगे। ठीक है तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे जहाँ मेरी पेंसिल है यहाँ पे तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और जो नीचे वाली स्टेटमेंट लिखी है जिसमें ब्रैकेट है लगी हुई है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सम ऑफ फाइनाइट इज लेस देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है तो अब आपको पता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कैसे निकलता है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, वन, और अल्फा और रेडियस सॉरी कॉमन रेशो क्या है, अल्फा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस अल्फा। तो अल्फा हम ये रहा
सम से 1/1 माइनस अल्फा और डी एक्स वन एक्स नॉट ये रहा, ठीक है। तो आपके पास आ गया अल्फा एम 1 माइनस अल्फा डी ऑफ एक्स वन एक्स नॉट आ गया। तो ये सब क्या आ गया था हमारा, डी ऑफ एक्स एन एक्स एम इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एम 1 माइनस अल्फा डी एक्स वन एक्स नॉट, ये आ गया आपके पास। बेटा इसकी लिमिट ले लो दोनों साइड पे। जब आप इसकी लिमिट लेंगे तो आपको पता है कि जब एम की लिमिट लोगे एज एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 माइनस अल्फा पे और डी एक्स वन एक्स नॉट इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें एम है ही नहीं। किससे लिमिट पे फर्क पड़ रहा होगा, अल्फा एम से। तो आपको पता है कि अल्फा जीरो और वन के बीच में है, तो आपको पता है कि अगर आर एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ आर इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन, तो अल्फा जो है जीरो और वन के बीच में है, तो अल्फा की पावर एम जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये लिमिट कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो हमारा जो है डी एक्स एन एक्स एम जो है कॉशी सीक्वेंस जो था मेरा, ये कॉशी सीक्वेंस बन गया। और किसके अंदर आ गया ये कॉशी सीक्वेंस, एक्स के अंदर आ गया क्योंकि उसी की टर्म से आपने लिया हुआ था, ये एक्स से ही टर्म्स बनाई थी सारी। बट एक्स जो है आपको कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है, अगर ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो इसका कॉशी सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्ज करेगा एक्स के अंदर। तो एक्स एन क्या कर गया, कन्वर्ज कर जाएगा एक्स के अंदर। अब कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई पॉइंट निकल कर आएगा और किसके अंदर आएगा, वो एक्स में ही आएगा। तो मैंने उसका नाम रख दिया एक्स। तो हमने कहा कि सपोज ये एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो लिमिट आती है यही एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। दोबारा से सुनेंगे, मैंने आपको यही बोला था कि सबसे पहले आप कॉशी सीक्वेंस ढूंढिए, कॉशी सीक्वेंस होगा तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है तो वो कन्वर्ज करेगा, तो जो उसकी लिमिट होगी वही फिक्स पॉइंट का काम करेगी, ठीक है। तो अब मैं शो करती हूँ कि ये एक्स जो है फिक्स पॉइंट है, इससे उसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाएगी, फिर हम इसी को यूनिक पॉइंट बना देंगे। तो देखिए बेटा आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, कि हमारे पास एक प्रूफ करना है इसको कि ये फिक्स पॉइंट है। तो आप देखिए, हमें मालूम है कि टी एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इससे पहले लेक्चर में कराया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, हमेशा ही ट्रू होता है, तो टी जो हो गया कॉन्टिन्यूस भी आ गया। अगर टी कॉन्टिन्यूस है तो वो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करेगा। तो फॉलो करेगा तो कैसे फॉलो करेगा, कि हर सीक्वेंस अगर आप कोई भी लेंगे तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी इमेज भी कन्वर्ज होगी। देखो, अगर टी इज फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है कि अगर आप एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स लेते हैं, डोमेन के अंदर कोई सीक्वेंस लेंगे विच कन्वर्जिस टू सम नंबर, तो टी ऑफ एक्स एन विल ऑल्सो कन्वर्ज टू टी एक्स, यही बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि टी एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा। तो हमने क्या किया, कंसीडर किया है टी एक्स को। इस एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, क्योंकि मेरा एक्स एन जो था एक्स पे कन्वर्ज कर रहा था, ठीक है। टी को और लिमिट इंटरचेंजेबल है, तो लिमिट बाहर कर दिया, टी एक्स एन अंदर कर दिया। अब ये टी एक्स एन जो होगा ये क्या करेगा, आपका टी ऑफ एक्स एन, टी ऑफ एक्स एन क्या है मेरा, एक्स एन प्लस वन है, क्योंकि ये रेफरेंस रिलेशन तो मैंने खुद ही डिफाइन किया था। अब अगर एक्स एन की लिमिट एक्स है तो एक्स एन प्लस वन की लिमिट भी एक्स ही होती है, ठीक है। तो एक्स एन प्लस वन की जगह मैंने एक्स एन करके उसकी लिमिट भी एक्स लिख दी, तो मेरा टी एक्स किस पे कन्वर्ज कर गया, सॉरी मेरा क्या आ गया, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया सबको, तो मेरा टी एक्स इक्वल टू एक्स आते ही ये क्या बन जाएगा, फिक्स पॉइंट बन जाएगा। तो अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर मेरे पास कंप्लीट मैट्रिक्स के स्पेस के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन करी गई है तो उसके पास एक फिक्स पॉइंट ज़रूर होगा। अब मुझे शो करना है कि ये फिक्स पॉइंट यूनिक है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, यूनिक करना हो तो हम क्या करते हैं, हम कोई दो लेके चल लेते हैं तो शो कर देते हैं ये दोनों या तो बराबर है या फिर हम क्या करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सपोज कर लो दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो टी एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा और टी वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट, ठीक है। हम शो कर देंगे कि ये दोनों अलग अलग नहीं थे, ये सेम ही थे। तो हमने क्या किया, सेम करने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस लिया डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई क्या होगा, एक वाई है टी वाई, एक्स है टी एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिक फिक्स पॉइंट, तो ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, तो ये आ जाएगा लेस देन अल्फा डी वाई एक्स, ठीक है। अब अल्फा होता ही जीरो और वन के बीच में, तो इस अल्फा को रिप्लेस कर सकती हूँ मैं लेस देन वन से, तो अल्फा की जगह लेस देन वन का साइन लगाया तो लेस देन डी वाई एक्स आ गया, तो डी वाई एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन डी वाई एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इनके बीच में कि डी वाई एक्स इज लेस देन डी वाई एक्स आ गया आपके पास, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो मेरे पास क्या होना चाहिए,
एक्स इक्वल टू वाई ही होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नहीं है। हमने कॉन्ट्रडिक्शन में यही माना था ना कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, सॉरी हमने अजम्पशन यही ली थी कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दोनों सेम ही आ गए आपके पास। ठीक है, तो अपनी अजम्पशन रॉन्ग हो गई और ये दोनों सेम आ गए, तो हमारे पास क्या आ गया, टी एक यूनिक फिक्स पॉइंट आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए अब आगे आ जाइए, रिमार्क देखिए, लेट एक्स टी बी अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड टी इज फ्रॉम एक्स टू एक्स सेटिस्फाई डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन डी एक्स वाई, देन टी मे नॉट हैव अ यूनिक फिक्स पॉइंट, मे नॉट हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने क्या किया है बेटा, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस जो आपको दे रखा था उस, और हमें क्या 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 मालूम होना चाहिए था बना फिक्स पॉइंट थ्योरम के लिए, कि एक तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होना चाहिए था और उस पर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होनी चाहिए थी। तो जो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन थी वो थी डी टी एक्स टी वाई इज, यहाँ पे था ना डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू एल्फा डी एक्स वाई होता था, वेयर एल्फा इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन। तो आप इसको यहाँ पे क्या कह रहा है ये आपके पास, कि अगर डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन डी एक्स वाई कर दो, तो टी मे नॉट हैव अ यूनिक, मे नॉट हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये कैसे किया मैंने, देखो पहले मैंने कोई भी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस लिया और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन एल्फा डी एक्स वाई। तो हमने इसके लिए मैपिंग डिफाइन कर दी टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो डी टी एक्स टी वाई निकालो, पहले मैं शो करूंगी कि इसके अंदर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है और फिर शो करूंगी कि इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो हमने ले लिया बेटा डी टी एक्स टी वाई, ये किसके बराबर होगा, डी यूजुअल मीट्रिक है तो मॉड टी एक्स टी वाई, टी एक्स की वैल्यू डाल दी एक्स प्लस वन बाय एक्स, टी वाई की वैल्यू डाल दी वाई प्लस वन बाय वाई, दोनों को ब्रैकेट्स मतलब जो भी है खोल ली। तो इसके ऊपर अब हमने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया, ये देखो ये यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे आया, मैंने साइड में करके दिखाया, एक बार ध्यान देंगे ज़रा सब बच्चे, क्लीन कर दो उसको, ये देखो देखिए ये जो टर्म है ना x प्लस वन बाई एक्स और y प्लस वन बाय वाई वाली टर्म, इसका मैंने पहले x और y को इकट्ठा कर लिया और वन बाय एक्स और वन बाय वाई को इकट्ठा कर लिया, तो ये आ गया। इसको यहाँ कंसीडर कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सारा सॉल्व किया तो यहाँ तक मिल गया आपको, इधर देखो ये भी देख लो, इसमें से अब x माइनस वाई कॉमन निकाला तो एक्स वाई और इधर से माइनस वन मिल गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये देखो इस वाले के अंदर न्यूमरेटर को ब्रेक कर दो तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई वन आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स वाई आ गया, तो ये स्टेप आ गया। तो हमने यही वाला स्टेप यहाँ लिख दिया, मैंने कैलकुलेशन साइड में शो कर दी है। अब मॉड एक्स वाई जो है, मॉड एक्स मॉड वाई होता तो दोनों के ऊपर मॉड अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ पूरे को, ये वन माइनस एक्स वाई वाला जो मॉड है ना, ये लेस देन वन करके इसको लेस देन वन से रिप्लेस कर रही हूँ। देखो कैसे एक्स ग्रेटर देन वन है, वाई ग्रेटर देन वन है, क्यों है, क्योंकि ये देखो आपने इंटरवल लिया हुआ है वन से इन्फिनिटी, तो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो वन से बड़े हैं, तो एक्स ग्रेटर देन वाई वन है, वाई ग्रेटर देन वन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन वन होगा। तो इसका जब वन अपॉन एक्स वाई दोनों तरफ रेसिप्रोकल लूँगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो वन अपॉन एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जब वन में से मैं कोई पॉजिटिव नंबर वन अपॉन एक्स वाई माइनस कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन वन आ जाएगा वो नंबर, तो मेरा वन माइनस वन अपॉन एक्स वाई क्या आ गया, लेस देन वन आ गया। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे लेस देन वन का निशान लगा दिया तो ये मॉड एक्स माइनस वाई आ गया, तो ये क्या है डी एक्स वाई। तो मेरे पास क्या आ गया, डी टी एक्स टी वाई ये स्ट्रिक्टली लेस देन एल्फा डी एक्स वाई आ गया। अब मुझे शो करना है कि इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, सपोज कर लो इसके पास फिक्स पॉइंट होता तो क्या होता, ये फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता, तो मेरे पास क्या आता, टी एक्स इक्वल टू एक्स आता, तो टी एक्स की डेफिनेशन क्वेश्चन में क्या आती है, एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स एक्स के बराबर आता, तो इसको सॉल्व करते तो वन बाय एक्स जीरो आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, वन बाय एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन के आगे हमें ये पता चला कि हमारा टी मतलब डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो टी के पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, लेट एक्स बी एनी सेट नो मीट्रिक रिक्वायर्ड एंड टी इज फ्रॉम एक्स टू एक्स बी अ मैप सच दैट टी टू द पावर एन हैज़ अ यूनिक फिक्स पॉइंट एक्स नॉट, देन एक्स नॉट इज द यूनिक फिक्स पॉइंट ऑफ टी। मतलब अगर वो टी एन का फिक्स पॉइंट है तो वो टी का भी फिक्स पॉइंट होगा, ये मिल गया इसका। ठीक है, और टी आपको कोई भी एक मैपिंग दे रखी है एक्स से एक्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्स नॉट टी एन का फिक्स पॉइंट है तो वो एक्स नॉट जो है टी का भी फिक्स पॉइंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आराम से हो जाएगा बेटा, देखो लेट एक्स नॉट बी अ फिक्स पॉइंट ऑफ टी एन
तो डेफिनेशन क्या कहती है, टी एन ऑफ एक्स नॉट इज एक्स नॉट। अब टी एन को इस वाली स्टेटमेंट के अंदर दोनों तरफ टी लगा दो, तो टी ऑफ टी एन एक्स नॉट टी एक्स नॉट के बराबर आ गया। तो ये टी और टी एन मैंने इंटरचेंज की, तो मेरे पास क्या आ गया, टी एन टी एक्स नॉट इज टी एक्स नॉट। तो यहाँ पे आप देखो टी एन के साथ ब्रैकेट में जो लिखा वही ब्रैकेट वापस आ गई, तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिक्स पॉइंट की, कि यहाँ पे जो कोई भी नंबर लिखा है वो फिक्स पॉइंट बन जाएगा। दोबारा से देखिए, टी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स फिक्स पॉइंट बनता है ना, यानी कि जब इमेज जो है वो जिसकी इमेज ले रहे हो उसी के बराबर होती है तो बन जाता है फिक्स पॉइंट। तो टी एन के साथ टी एक्स नॉट लिखा तो वो टी एक्स नॉट ही आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से सपोज कर लो ये वाई है, तो टी एन वाई मेरा वाई के बराबर आ गया, तो वाई इज़ द फिक्स पॉइंट बन गया ऑफ टी एन। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता चला, टी एक्स नॉट इज द फिक्स पॉइंट ऑफ टी एन, बट टी एन जो के पास जो है क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिक फिक्स पॉइंट है, यूनिक फिक्स पॉइंट है। तो ये जो टी एक्स नॉट हुआ ये और जो एक्स नॉट थे ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक्स नॉट तो फिक्स पॉइंट हमने यहीं से ले रखा था और अब मैंने एक और फिक्स पॉइंट ढूंढ दिया दैट इज टी एक्स नॉट, और यूनिक है तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो मेरे पास आ जाएगा टी एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई, टी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट की, एक्स नॉट इज द फिक्स पॉइंट ऑफ टी। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि एक्स नॉट फिक्स पॉइंट है टी का। अब मुझे शो करना है कि ये फिक्स पॉइंट यूनिक है, तो यूनिकनेस शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट वाई बी एनी अदर फिक्स पॉइंट ऑफ टी, हम शो कर देंगे एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो अगर वाई फिक्स पॉइंट है टी का तो टी वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा, दोनों तरफ टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो टी वाई इक्वल टू वाई है तो इधर भी टी लगा लो और इधर भी टी लगा लो, तो इधर वाला टी क्या दे देगा, टी स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा टी वाई। अब बट वाई फिक्स पॉइंट है तो टी वाई क्या है, वाई के बराबर है, तो टी स्क्वायर वाई फिर से वाई के बराबर आ गया। फिर ऐसे ही दोबारा से टी लगाएंगे इसकी तरफ तो फिर ये क्या आप दे देगा, टी क्यूब वाई वाई के बराबर दे देगा, तो चलता जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी एन माइनस वन वाई इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब कंसीडर कीजिए टी एन ऑफ वाई, टी एन कैन बी रिटर्न एज टी इंटू टी एन माइनस वन, और टी एन माइनस वन वाई किसके बराबर है, टी वाई के बराबर है, तो टी वाई आ गया। अब टी वाई बाई डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट किसके बराबर था, वाई के बराबर था, तो ये वाई लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, टी एन वाई इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब वाई इज़ द फिक्स पॉइंट ऑफ टी एन आ जाएगा, बट हमें पता है टी एन के पास यूनिक फिक्स पॉइंट है और वो क्या था हमारा ऊपर, एक्स नॉट था, क्योंकि हम तो शुरू से एक्स नॉट मान के चल रहे थे। तो इस अब मैंने एक और ढूंढ लिया दैट इज़ वाई, तो वाई और एक्स नॉट दोनों बराबर होने चाहिए, तो वाई इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था कि वाई जो है वो किसके बराबर है, एक्स नॉट के बराबर है, ताकि यूनिकनेस प्रूफ हो जाए। तो मेरा एक्स नॉट जो है यूनिक फिक्स पॉइंट ऑफ टी आ गया। आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, एक दो बारी कर लेना लर्न हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में मुझे आपको यहीं तक कराना था, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और ये एक्सरसाइज हम चैप्टर हम बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।